प्याज की दरें जिस तरह से आए दिन गिर रही है उसे देखते हुए किसान रोने पर मजबूर है, मगर फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। इससे नाराज नासिक के किसान ने 750 किलो प्याज केवल 1064 रुपए में बेचकर वो सभी पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनी ऑर्डर किया। देखते हैं खबर विस्तार से। एक समय ऐसा था कि प्याज की बढ़ती दरों के चलते आम जनता की आंखों में पानी था, मगर आज वही प्याज किसानों को रुला रहा है। जो किसान अपना खून पसीना एक कर प्याज की उपज कर रहा है, उस किसान को ही इसी प्याज की कीमतों ने रोने पर विवश कर दिया है। कभी 80 या 100 को पार कर गया प्याज, आज मुश्किल से 1 रुपया किलो बिक रहा है। ऐसे में जो प्याज की फसल के लिए लागत लगी है वो भी किसान को नहीं मिल रही है। ऊपर से ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बोरियों का खर्चा, जिस गोडाउन में यह प्याज रखा जाएगा उस गोडाउन का किराया, इन सभी बातों ने किसानों की कमर तोड़ दी है और उसे रोने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से भी कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों में काफी गुस्से की लहर है, और इसी गुस्से के चलते कुछ किसान अपने प्याज की भरी बोरियां सड़क पर फेंक रहे हैं। मगर नासिक के एक किसान ने 750 किलो प्याज महज 1064 रुपए में बेची और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम वो 1064 रुपए मनी ऑर्डर से भेज दिए, ताकि मोदी जी को पता चले कि महाराष्ट्र का किसान किन हालातों में जी रहा है। नासिक जिले के निफाड़ में रहने वाले संजय राठौड़ नाम के इस किसान ने जो मनी ऑर्डर नरेंद्र मोदी को भेजा है, उसके लिए उन्होंने पोस्ट ऑफिस में फीस के तौर पर बाकायदा 54 रुपए भी भरे हैं, यानी 750 किलो प्याज के दाम के रूप में उन्हें मिले 1010 रुपए। 29 नवंबर की यह घटना है। अब तक यह मनी ऑर्डर मोदी जी को मिला भी होगा, लेकिन मोदी जी थोड़े ही न बताएंगे। मगर मोदी जी यह पब्लिक हैं, सब जानती हैं, कम से कम अभी तो नींद के स्वांग को त्याग दीजिए।